राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय पर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ट्रक ऑपरेटरों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सड़क पर अधिकतर हादसे ट्रक के ऑपरेटरों के द्वारा नशे की हालत में गाड़ी चलाना तथा नींद पूरी न होने के बाद भी गाड़ी चलाने से दुर्घटना होती है, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने ट्रक ऑपरेटरों से कहा कि ठंड में अधिकतर शीतलहर होती है, जिसके कारण गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सड़क दिखाई नहीं देता, जिससे गाड़ियां एक दूसरे में टक्कर मार देती हैं और दुर्घटना हो जाती हैं। उन्होंने ट्रक ऑपरेटरों से शीतलहर के समय गाड़ी ना चलाने की अपील की तथा ट्रक के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने के लिए अपील करते हुए कहा कि रिफ्लेक्टर लगाने से दूर से ही गाड़ी नजर आ जाएगी और दुर्घटना में कमी आएगी। इस अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम SP श्रीवास्तव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वितीय BK सिंह, यात्री कर अधिकारी इरशाद अली, कुमारी श्वेता गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने कहा, हमें विदित है कि 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। यह है जनता के बीच में सड़क के यातायात के नियमों के संदर्भ में जागरूकता फैलाना। यह सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, बल्कि यह हम सबका दायित्व है कि जब भी हम सड़कों पर चले तो खुद भी सुरक्षित रहें और साथ ही साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जब हम सड़क के यातायात के जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करते हैं तो इससे न सिर्फ हमारी सुरक्षा होती है बल्कि हमारे परिवार की भी सुरक्षा होती है। यातायात के अनेक नियम बनाए गए हैं, जैसे आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, साथ ही जब भी वाहन चलाएं तो आप मोबाइल फ़ोन या फिर ईयरफोन का प्रयोग ना करें, जिससे आप खुद भी सुरक्षित रहें, साथ ही जो भी दूसरे जो वाहन चला रहे हैं वो भी सुरक्षित रहें। आपकी थोड़ी सी लापरवाही बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। हम देखते हैं जगह जगह बैनर्स लगे रहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन हम इसे सीरियस नहीं लेते हैं और हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उस लापरवाही का भुगतान हमारे पूरे परिवार को करना पड़ता है। इसके साथ ही मैं आप ट्रक चालकों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि जैसा हम जान रहे हैं इस समय ठंड का मौसम है और काफ़ी ज़्यादा कोहरा रहता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो हमारे सड़क सुरक्षा नियम में प्रावधान है कि आप अपनी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टेड टेप लगाएं और मैं ये बताना चाहूँगी इस रिफ्लेक्टेड टेप की कीमत बहुत ही कम होती है, 100-200 रुपए होती है, लेकिन फिर भी इसका जुर्माना 10,000 रुपए है, लेकिन आप लोग नहीं लगाते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस ठंड में जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनसे बचने के लिए आप रिफ्लेक्टेड टेप ज़रूर लगाएँ। और इसके साथ ही मैं एक अनुरोध ये भी करना चाहूँगी कि कई बार ये देखा जाता है कि ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं वो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो थकान का अनुभव करते हैं। धन्यवाद श्वेता जी। अभी जैसा कि आपने सुना, मैम कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता रही थी जो हम अनदेखा करते हैं और जिसके प्रगति गति के रूप में होती है, उसको आपको ख्याल रखना होगा, अपनी स्पीड को नियंत्रित रखना होगा। ध्यान में रखते हुए हमें अपनी ड्राइविंग करनी चाहिए कि हम बिना क्या ड्राइव कर सकें और आगे वाले की भावनाओं को, जब कहा एक पुरानी कहावत है कि बंदूक से निकली गोली और सड़क पर हुए एक्सीडेंट आजीवन परेशान करता है। आपने जाने अनजाने बंदूक चला दी तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे, देखेंगे कि किस कैसे चली क्या नहीं हुआ, और आपने एक एक्सीडेंट कर दिया तो आपका हाथ पैर घर परिवार पूरा विकृत हो जाता है। एक सिंपल एक्सीडेंट में ये मान के चलिए अमूमन एक हॉस्पिटल जो है 50,000 मिनिमम से लेके 5,00,000 रुपए तक आकर जाता है, जिस परिवार की एक आमदनी। हम जिस ड्राइवर ग्रुप से लोग बात कर रहे हैं आज, आप लोगों की कितनी आमदनी होती है पर मंथ वो बताइए? 40,000 रुपए। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है आपके साथ में, घर की परिवार की स्थिति क्या होगी? दवाडोल हो जाएगी।
आपकी वजह से आपके छोटे भाई बहन बच्चे सब परेशान होंगे। आरटीओ साहब, आरटीओ साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी चालक बंधु, अभी हम लोग पूर्व अकाउंट द्वारा जो है सावधानियों, चालक द्वारा क्या क्या सावधानियाँ दिए जाएँ उनके बारे में काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने सुना। और हम लोग, मैं तो इतना कहूँगा इसमें संक्षेप में अपनी बात से इतना कहना चाहूँगा कि जो है अगर हम लोग सावधानी से गाड़ी चलाएं तो कोई वजह नहीं है कि हम लोग दुर्घटनाओं में कमी ला सकें। और ये प्रैक्टिकल करके भी देखा है हमने रोडवेज में, हमारे यहाँ 800 की फ्लीट है पूरे रोडवेज में, UPSRTC में करीब 12,000 की फ्लीट है। और हम लोगों ने प्रतिदिन जो है जागरूक सब काउंसलिंग हम लोग ड्राइवरों की करते हैं, उन लोग को जागरूक करते हैं, उनको जाते वक्त जो है संक्षेप में बताते हैं सावधानी क्या क्या सावधानियाँ बरतें। और ये तो आप लोग सब पुराने चालक हैं, सभी लोग जानते हैं, कोई नई चीज़ हम लोग नहीं बताते हैं, लेकिन समय समय पर हम लोग जागरूक करते रहें। आप भी जब गाड़ी चलाएं अपने परिवार का ध्यान रखें, और जो कुछ बातें हैं विशेष रूप से जो मोबाइल पे बात ना करें, शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं, और इसी तरीके से आप जो सावधानियां अगर बरतेंगे साइड गाड़ियां रोके सवारी उतारने के लिए, अगर गाड़ी रोके तो बाइक को रोके, देखा जाता है कि एकदम से ब्रेक मारते वो भी एक दुर्घटना का कारण हो जाता है। तो ये सब आप लोग सब जानते हैं, बस केवल दिमाग में रखने वाली बात है। और परिवार का ध्यान रखेंगे, हम लोगों ने तो अपने कई बसों में पहले ये भी अभियान चलाया था कि बस के आगे एक हम लोग अपने परिवार की किसी सदस्य की फोटो भी लगाएं, जिससे कि आप लोग गाड़ी चलाते समय अपने परिवार का ध्यान रहे तो उसमें आप लोग सजग रहेंगे। देखिए अल्टीमेटली जब भी एक्सीडेंट होता है दुर्घटना आप ही लोगों को पड़ता, आप के रूप में मनाते थे। अब राज्य सरकार ने इस चीज को, केंद्र सरकार ने भी इस चीज की अपनी अनुमति दे दी कि इसको माह के रूप में मनाया जाए। इसका आशय सिर्फ इतना है कि माह में हम आपको जागरूक करें, कि आपको इन्फोर्स करें, कि आप किस तरह से आपको सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराएं। इसके लिए हमें समय कम पड़ जाता था, तो अब उन्होंने इस प्रक्रिया को माह में परिवर्तित कर दिया है कि 15 दिन आप इसको जागरूकता कार्यक्रम में लगाएं और उस 15 दिन आपको इन्फोर्स करके बताएं कि नहीं, इस तरह से हमने आपको जागरूक किया था, इस तरह से नहीं चलिए, इस नियमों का पालन करिए। ये प्रोग्राम आज जो ट्रक चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का है, ये उसी कड़ी का एक अंग है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं RM श्री BK तिवारी जी का बहुत हार्दिक और अभिनंदन करती हूँ कि आप आए और इस प्रोग्राम में आपने यहाँ पे हमें समय दिया। और साथ ही मैं श्री प्रवीण कुमार जी का भी, जो XM PWD हैं और वो हमारे प्रोग्राम में आए, उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हम यातायात संबंधी समस्त नियमों का पालन करेंगे, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे, तथा उनको भी प्रयोग के लिए प्रेरित। हम खतरनाक ढंग से वाहन का संचालन नहीं करेंगे, वाहन चलाते समय पैदल एवं वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम वाहनों पर स्टंट आदि नहीं करेंगे। हम तेज गति से वाहन नहीं चलाएंगे। परिवहन विभाग की तरफ से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जो 21 जनवरी से 20 फरवरी तक मनाया जाएगा। इसी क्रम में आज ट्रक चालकों के, ट्रक ऑपरेटर के चालक और परिचालकों को हम लोगों ने प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आज रखा था, जिसमें हमने RM रोडवेज और PWD के XCN को भी इनवाइट किया था कि वो अपनी तकनीकी कुछ जानकारियाँ ट्रक चालकों को दे सकें, ताकि कि वो सड़क पर चलते समय किन किन सावधानियों को बरत सकते हैं, ये जानकारी उनको देने के लिए हमने इनको भी इनवाइट किया था। और कुछ ट्रक चालकों से भी उनकी मंशा और उनके सुझाव हम लोगों ने लिए थे कि हम उनके अच्छे के लिए हम लोग और क्या क्या काम कर सकते हैं।
अभी आगे भी ये कार्यक्रम? हाँ, ये आगे भी हमारे कार्यक्रम चलेंगे। कुछ पर डे हम लोग का तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अब हम लोग 1 तारीख को कुछ ग्रामीण स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक करने का कार्यक्रम करेंगे। साथ ही ऑटो, टैक्सी, बस यूनियन इन सबको के चालकों परिचालकों को भी हम लोग जो है जागरूक करने का कार्यक्रम चला रहे हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो प्रतिदिन डिसाइडेड है हम लोगों के कि ये सब करना है।